दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है पेज। पेज के ऊपर टेक्स्ट है, जितनी भी आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, जिसको आप फॉन्ट कहते हो, दो चीजें हैं, एक आपका पेज है, एक आपका फॉन्ट है, जिसको आप टेक्स्ट कह रहे हो। टेक्स्ट हमेशा पेज के ऊपर आएगा। टेक्स्ट की जितनी प्रॉपर्टीज है, फॉन्ट की जितनी प्रॉपर्टीज है, वो सब आपको होम टैब पे मिलेगी। होम टैब पे आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा हूं, बैग पकड़, बैग ठीक है। ये आपको एक डॉक्यूमेंट यहां पे दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ टेक्स्ट है, जितनी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है वो आपको होम पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो पेज है, उसकी प्रॉपर्टीज होम पे नहीं होगी। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी क्वेश्चन आता है, फॉन्ट साइज सेट करना है, फॉन्ट का टाइप सेट करना है, इस स्लाइड का स्टाइल चेंज करना है, ये सब कुछ आपको होम टैब पे मिलेगा। होम पे आपको देखो क्या क्या है, फर्स्टली फॉन्ट का स्टाइल कि कौन सी थीम आपको चाहिए, सेकेंडली फॉन्ट का साइज, राइट, सेकेंडली आपको जो टेक्स्ट है, जो आपका फॉन्ट है, उसको आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक ऑफ करना है, वो भी आपको यहां मिलेगा, सबस्क्रिप्ट करना है या पोस्टस्क्रिप्ट करना है, वो भी आपको यहां मिलेगा। इसके बाद कैपिटलाइज करना है कि लोअर केस में करना है, ये देखो कभी आपने यूज नहीं करा होगा। सपोज मैंने ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूं ये कंप्लीट टेक्स्ट मेरा अपर केस में चले जाए, तो आपका यहाँ पे ये डबल ए आपको दिख रहा होगा, इस पे गए अपर केस कर दोगे, ठीक है, यहां मैंने टेक्स्ट डाला है, इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया, अपर केस में था, अपर केस था, सेंटेंस केस, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सारे लोअर केस में चले गए, सेकंड जाओ लोअर केस, सभी लोअर केस में हो जाएंगे, उसके बाद अपर केस जो भी हमने देखा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, फर्स्ट वाला ही कैपिटल हो जाएगा जब आपकी कंप्लीट सेंटेंस होगी, लास्ट आपका टॉगल केस है, एक अपर एक लोअर, एक अपर लोअर केस जैसा भी रहेगा, राइट। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ आप जाओगे, यहाँ पे केस चेंज प्रॉपर्टी है, उस पर जाके आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फॉन्ट का जो साइज होता है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हो, 8, 9, 16, 12, जो भी आपको लेना है। सेकेंडली आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, इससे आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज करते हो, इससे आप डिक्रीज करते हो, मतलब ये आपका ग्रो फॉन्ट है, एक आपका श्रिंक फॉन्ट है, ये देखो वो ग्रो होता चला गया, ऐसे ही आप जब इसको डाउन वाले को करोगे श्रिंक होता चले जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्रो फॉन्ट बाय 1, तो एक बार प्रेस कर दोगे, सेट फॉन्ट साइज टू 16, डायरेक्ट आप यहाँ पे जाओगे 16 को सेलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है किसी भी पैराग्राफ की सेटिंग्स, राइट। अभी फॉन्ट में सब कुछ देखो, फॉन्ट में वही टाइप ऑफ फॉन्ट जो आपकी थीम्स है, फॉन्ट का स्टाइल रेगुलर जो आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, इटैलिक कर सकते हो उसको, बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो, ये आप डायरेक्टली वहां से भी कर सकते थे, अंदर से भी। अब फॉन्ट है, फॉन्ट का कोई कलर होगा, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ब्लैक होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से जो भी कलर लेना हो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अंडरलाइन का स्टाइल, जब आप अंडरलाइन करोगे, सिर्फ अंडरलाइन का स्टाइल ही नहीं होता है, उसका कलर भी होता है, बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैक दिखता है, यहाँ पे आप जाके कोई और कलर ले लो, राइट। ऐसे ही इफेक्ट्स में स्ट्राइक थ्रू करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, स्मॉल केस में रखना है, ऑल कैप्स में रखना है, सब कुछ पैराग्राफ की
सेटिंग्स में होगा, कुछ आपको रिबन के ऊपर हाईलाइटेड है, कुछ यहाँ पे हिडन है, बट जो हिडन वाली सेटिंग्स है जो पैराग्राफ की, उसमें आपको सब कुछ ही मिलेगा, राइट। ऐसी कुछ एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ आप जाओगे स्केलिंग कर सकते हो, स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है, बड़ा कर रहे हो उसको कम रख रहे हैं, कंडेंस कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नंबर स्पेसिंग के लिए भी डिफॉल्ट रहेगा, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, प्रोपोर्शनल टेबुलर, ये आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिकली जो फर्स्ट पेज है इसका, जो फर्स्ट वाली आपकी सेटिंग्स है, सिर्फ वहीं से पूछेगा फॉन्ट साइज चेंज करने को, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने को, कलर चेंज करने को, राइट। यहाँ से वापस चले गए, ये आपकी फॉन्ट की सेटिंग्स है सभी। नेक्स्ट होती है आपकी पैराग्राफ की सेटिंग। पैराग्राफ की सेटिंग में क्या हुआ, आपने एक बार कहीं पर टेक्स्ट डाल दिया है, आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, सेंटर लाइन कर सकते हो, लेफ्ट लाइन कर सकते हो, राइट लाइन कर सकते हो, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ कर सकते हो। भाई पैराग्राफ है, मल्टीपल सेंटेंसेस हो गए, बिटवीन दो सेंटेंसेस आप पैराग्राफ में स्पेसिंग का भी डिस्टेंस देखोगे, राइट। अदर देन दैट लाइन स्पेसिंग आपकी होगी, फिर आपका बैकग्राउंड कलर जिसको आप शेडिंग कहते हो, बैकग्राउंड कलर वो भी यहीं से करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको उसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है नंबर, तो आप यहाँ से बुलेट से ऐड कर सकते हो, 1-2-3 की फॉर्म में, रेफरेंसेस की फॉर्म में, साइटेशन की फॉर्म में, ये सब आपको बुलेट्स में मिलेंगे, राइट। ये आपकी बुलेट लाइब्रेरी है, जो सी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप ऐड कर सकते हो। मेन है ये पैराग्राफ की सेटिंग, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन के लिए आपको पैराग्राफ में जो लोअर राइट एक एरो है उसको प्रेस करना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा आपका स्पेसिंग पे, बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी बिफोर में पुट कर देना और आफ्टर में पुट कर देना। उसके बाद लाइन स्पेसिंग पूछा होगा कि सिंगल है, ऑटोमेटिक है कि मल्टीपल है। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा, सिर्फ दो क्वेश्चन आएंगे, या तो एग्जैक्टली का आएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली गिवन है, या फिर मल्टीपल का आएगा, जो आपसे पूछा गया है वही आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद एट 1, 2, 3, 1.5 व्हाटएवर जो भी नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, आपने चेंज कर दिया, राइट। तो पैराग्राफ के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, या तो आपको उसको सेंटर लाइन करना होगा, या उसको जस्टिफाई करना होगा, लेफ्ट अलाइन करना होगा, राइट अलाइन करना होगा, या फिर जो आपका पैराग्राफ है उसमें स्पेसिंग कितनी करनी है, स्पेसिंग के अलावा लाइंस कितनी रखनी है, वन रखनी है, ऑटोमेटिक रखनी है, डबल रखना है, ऑटोमेटिक रखना है, ये आपका रहेगा। और एट किस साइज पे रखना है वो आपका पैराग्राफ में रहेगा। इसके बाद आपका एक सेटिंग होती है ये वाली, देखो इसको आप कहते हैं शेडिंग। शेडिंग इज बैकग्राउंड, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो और उसको शेड कर देते हो। दो चीजें होती है, एक आप पीछे कलर डालते हो और एक आप शेडिंग करते हो। सपोज मैंने ये वाला लिया, इसको आप शेड करो, क्या हुआ, सिर्फ पर्टिकुलर जो यहाँ पे आपकी लाइन है सेंटेंस की वही शेड होगा। कभी आपने देखा आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप पूरे कलर बैकग्राउंड चेंज कर देते हो, वो पेज की प्रॉपर्टी है, वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने अभी क्या करा है, मेरी सेंटेंस है, वो सेंटेंस पूरा एक टेक्स्ट के लिए फिक्स है, तो उस सेंटेंस में पूरे को हमने कलर कर दिया है, तो ये शेडिंग होती है। इट इज जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट। एक होता है टेक्स्ट का कलर चेंज करना, एक होता है टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना। जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, लेकिन यही चीज जब आप कंप्लीट कलर का, पेज का कलर चेंज करोगे, तो वो एक पेज की प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन हमेशा दो ही बनेंगे, या तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करने को आएंगी, या पेज की प्रॉपर्टीज चेंज करने को आएंगी। अभी हम सब टेक्स्ट का कर रहे हैं, और जो आपकी होम टैब होती है, होम टैब इज ऑल अबाउट टेक्स्ट। इसका डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसका जो बैक आपका बैकग्राउंड है, जो आपका पेज है, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। आगे बढ़ोगे आप, नेक्स्ट होता है स्टाइल्स। स्टाइल्स भी आपकी थीम्स हैं, कि आपने ये बनाया हुआ जो भी डॉक्यूमेंट, इसमें आपको क्या स्टाइल चाहिए। सपोज आपने नेम ले लिया, देखो सारे चेंज हो जाएंगे, ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दिख रहा है, चेंज हो गया। ऐसे ही एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, याद रखना, वहां पूछेगा चेंज स्टाइल टू टाइटल, यही क्वेश्चन आएगा, चेंज स्टाइल टू टाइटल। टाइटल पे आपको डायरेक्ट जाना है, आप क्या करोगे, ना कुछ सेलेक्ट करना है ना कुछ, आपके सामने डॉक्यूमेंट होगा, ऐसी एक न्यूज़लेटर आएगा आपके पास, उसमें आपने स्टाइल्स पे जाना है, डायरेक्ट आपको टाइटल के ऊपर जाना है। ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, डायरेक्ट आप टाइटल पे गए, सेलेक्ट कर लिया, वो टाइटल हो गया, नेक्स्ट दबा देना, नीचे नेक्स्ट का एरो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाओगे, राइट। ये हो गई आपकी पेज की सेटिंग्स। इसके बाद एक क्वेश्चन आती है आपको टेक्स्ट की सेटिंग्स। इसके बाद कुछ नहीं सेलेक्ट करना आपको, जब सेलेक्ट वाला क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी ये चीजें सेलेक्ट वाली नहीं है।
जब आपसे बोलेगा कि पर्टिकुलर लाइन का सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, कि पर्टिकुलर लाइन का फॉन्ट साइज चेंज करो, पर्टिकुलर लाइन का फॉन्ट चेंज करो, तब आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट बोल रहा है चेंज स्टाइल टू टाइटल, आपने कुछ नहीं सिलेक्ट करना, कंप्लीट जो आपका टेक्स्ट है, कंप्लीट तीन पेजेस है, सबका स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आप आमतौर पर यूज करते होंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। हम कभी भी यूज करें तो रिप्लेस करते हैं, फाइंड नहीं यूज करते। कैसे यूज करोगे? कंट्रोल एफ दबा। सपोज आपसे बोला है उसने रिप्लेस कॉलम विद रो, आप क्या करोगे? रिप्लेस पे जाओगे, फाइंड पे ले जाओगे। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ओके कर दो। कभी भी फाइंड पे नहीं जाना, फाइंड सिर्फ सर्च करता है, रिप्लेस नहीं करता है। लेकिन रिप्लेस रिप्लेस भी करेगा और फाइंड भी करेगा। हमें क्या करना है? हम रिप्लेस पे जाएंगे, हमें रिप्लेस करना है, फाइंड व्हाट करेंगे पहले कॉलम्स, इससे रिप्लेस करना है रोज से। अब हम जब यहां करेंगे तो वो बोलेगा रिप्लेस कॉलम विद रोज, फर्स्ट कॉलम विद रोज। तो आप सिर्फ वन टाइम ये करोगे, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस नहीं दबाओगे, फाइंड नेक्स्ट दबाओगे। तो जो फर्स्ट होगा ना, जो फर्स्ट कॉलम जहां पे भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, जहां पे भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंगल वन टाइम रिप्लेस दबा दोगे, वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल कभी नहीं दबाना, फाइंड ऑल कभी नहीं करना। आपको जो फाइंड मतलब रिप्लेस करना है उसको डालोगे, रिप्लेस विद डालोगे, फाइंड नेक्स्ट वन टाइम दबाओगे, जो फर्स्ट आपका रिप्लेस करना है वो आ जाएगा, उसको आप रिप्लेस दबाओगे और उसके बाद यहां से क्लोज कर दोगे। रिप्लेस ऑल कभी नहीं दबाना, नहीं तो सब रिप्लेस हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट, स्किप करने के मार्क्स कटेंगे, गलत करने के मार्क्स कटेंगे। ये आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट की नहीं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज थी कि आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करवा सकते हो, फाइंड करवा सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उस कंप्लीट में कोई बुलेट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं दिखी, सिर्फ टेक्स्ट की दिखी। नेक्स्ट होता है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहला टेबल का। आपने आज तक टेबल बनाई है? टेबल बनाई, आप क्या करते हो? इस पे क्लिक करते होगे, यहाँ से जितना नंबर एंड रोज चाहिए उसको कर लेते हो। दिस इज नॉट द वे, हम लोगों को लगता है दिस इज द वे, बट जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे आप क्या करोगे? इंसर्ट टेबल, जितनी कॉलम्स चाहिए, जितनी रोज चाहिए वहां मेंशन करोगे। समझ गए? देखो अभी तक मैं आपको बोलूं, अगर 5 रोज 3 कॉलम कर रहे हैं तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो 5 रोज 3 कॉलम, वो भी तो 5 रोज एंड 3 कॉलम्स ही आ रहे हैं, बट ये नहीं करना है। हमको क्या करना है? इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिखोगे, नंबर ऑफ रोज भी लिखोगे, उसके बाद ओके कर दोगे। अब कॉलम का विड्थ है, यहां देखो यहाँ पे साइज आप सेट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है, क्वेश्चन में भी ऑटो ही आएगा, सेट करने को नहीं आएगा। ओके कर दिया, वहां पे आपका 5 रोज 5 कॉलम्स एंड 2 रोज आ गया, राइट। सेकंड इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा हमें मैन्युअली स्पेसिफाई करना पड़ेगा जी। अब आपको ड्रॉ नहीं करना, जो पहले वाला ऑप्शन था आपने सीधा प्रेस किया और ड्रॉ हो जाता है, हमें वो नहीं करना, मैन्युअली करनी है हर चीज, ठीक है सर, राइट। इसके बाद आप टेबल पे जब क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, ये टेबल है आपका, ठीक है। अब टेबल के टूल्स आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों चीजें होगी, देखो एक डिजाइन है और एक साइज लेआउट है, राइट। डिजाइन में तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन वहां पे था कि हम लोगों ने जब ट्राई किया था कि बॉर्डर चेंज करने को आ जाएगा, कैसा बॉर्डर आपको चाहिए, देखो ये बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, सेंटर बॉर्डर चाहिए, यहाँ से आप बॉर्डर्स पे जा सकते हो। बेसिकली टेबल की प्रॉपर्टीज टेबल पे क्लिक करके आएंगी। क्या करोगे? सिर्फ ये वाला जो एरो बनता है उसको क्लिक करो, दो ही प्रॉपर्टीज होती है, एक डिजाइन और एक लेआउट। डिजाइन में टेबल का स्टाइल है, जो सा भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करोगे, इसके बाद सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट सर्च करो और उसको इंसर्ट कर दो। सेकेंड आपकी क्या होगी, यहाँ से बोल देगा या तो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, शो नहीं करना है, या फिर हेडर रो शो नहीं करनी है, जो आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए उसको आप यहां से रिमूव कर दोगे, राइट, इट इज एज सिंपल। इसके बाद होता है लेआउट। लेआउट में आपसे पूछेगा फर्स्टली
कि आपका यहाँ पे जो साइज है, हाइट है, वो कितनी रहेगी। बाय डिफॉल्ट 0.35 पे देखो बढ़ती जा रही है कॉलम की, एक सेल जो है साइज बढ़ गया। ऐसे ही आप इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो, और इंडिविजुअल बढ़ रहा है, ये सबके लिए नहीं बढ़ रहा है। देखो हाइट सबकी बढ़ गई लेकिन विड्थ सिर्फ इसकी बढ़ी, बाकियों की नहीं बढ़ी है। तो आपको वहां पे ये गिवन होगा, आप इस अकॉर्डिंगली ही इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इसके बाद डिलीट है, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम्स, जैसे आप पहले करते थे राइट क्लिक करके आप कर सकते हो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर एक व्यू ग्रिड लाइंस, जो भी आपको ग्रिड लाइंस होंगी इसकी शो हो जाएंगी। अभी कोई टेबल हमारा बना नहीं, शो नहीं कर, ठीक है। इसके बाद इसको कैंसिल कर दो, ये हमारी प्रॉपर्टीज खत्म। सेकेंडली आपसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर वो बोलेगा इमेज की प्रॉपर्टीज। अब आप इंसर्ट में क्या कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। क्या करोगे वहां पे, पिक्चर पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन आएगा इंसर्ट अ पिक्चर नेम्ड दिस, आप करोगे इंसर्ट, उसके बाद पिक्चर्स पे क्लिक करोगे, एक फोल्डर बना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशली 2010, उस पे जाओगे, जहां पे आपको लोकेशन गिवन होगी वहां पे उसको इंसर्ट करवा दोगे। जैसे आपने इसको यहां पे इंसर्ट करवा दिया, राइट। एक बार पिक्चर इंसर्ट हो गई तो पिक्चर की भी वो प्रॉपर्टीज को सेट करने को बोलेगा। क्या करोगे आप, पिक्चर पे जाओगे, क्लिक कर दोगे, पिक्चर की एक ही प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेट। आप देखो यहाँ पे साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, पिक्चर जो आपने इंसर्ट करी है आप उसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, राइट, ऐसे उसको क्रॉप कर सकते हो, फाइन। हमें यहाँ से नहीं करना, ये शॉर्टकट है, हमें क्या करना है साइज पे जाएंगे, कंप्लीट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। हाइट जो आपको चाहिए क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ पे राइट टाइप करोगे, ऐसे ही विड्थ जो क्वेश्चन में गिवन होगी यहाँ पे टाइप करोगे। यही चीज हम बाहर से भी कर रहे थे, ये जो है ये बाहर से भी हो रहा है, पर नहीं करना है, इससे मार्क्स कटेंगे, बिकॉज वो एब्सोल्यूट नहीं है। हमें जो करना है यहाँ जाएंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, यही बात हमें तो एक्यूरेसी ढूंढने, किससे एक्यूरेसी आएगी। बाहर क्या था, लॉग एस्पेक्ट रेशियो नहीं था, रिलेटिव टू ओरिजिनल इमेज नहीं था, क्वेश्चन में बोलेगा कि लॉग एस्पेक्ट रेशियो, बाहर तो ऑप्शन नहीं था ना, इसलिए आपको अंदर जाने को बोल रहा हूं, ठीक है। ये हो गई आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज, मतलब आप इमेज पे क्लिक करेंगे एक ही प्रॉपर्टी होती है फॉर्मेट। इसके बाद एक क्वेश्चन को पूछ सकता है कि आपका पिक्चर का स्टाइल चेंज कर रहे हैं, बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे ये पिक्चर है, ये वाला स्टाइल ले लिया, चेंज हो गई, ऐसे ही कंट्रोल जेड करो, वापस चले जाओ उसी पिक्चर पे। पिक्चर के एक्सटर्नली को बॉर्डर डालने को बोल सकते हैं, पिक्चर के बॉर्डर पे जाओगे, जिस कलर का बॉर्डर बोलेगा वही बॉर्डर डाल देना, आपको दिखेगा नहीं बट वो इंसर्ट हो गया होगा वहां पे बिल्कुल लाइट कलर में, राइट। ये क्वेश्चन बोल सकते हैं वो, दोबारा से यही पे क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसके बाद और कोई क्वेश्चन ये पूछेगा, हम दोबारा जाएंगे अब इंसर्ट पे, ये पार्ट आ जाए तो एग्जैक्टली यही है इंसर्ट करने का। शेप्स भी नहीं पूछेगा, स्मार्ट आर्ट भी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट होता है हमारा हेडर, ठीक है, हेडर पे बाद में कराऊंगा, पहले टेक्स्ट बॉक्स करवा रहा हूं। क्वेश्चन को ये पूछेगा कि किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करो, उसका साइज सेट करो और उसके बॉर्डर की चेंज करो। मैं कहां इंसर्ट कर रहा हूं, मैं यहां कर रहा हूं, यहां देखो मैं लास्ट वाला मेरा ये पैराग्राफ है ना, ठीक है, इसके बाद में इंसर्ट करो। क्या करूंगा, इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे, अब डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स प्रेस मत करना, ऊपर से करोगे तो भी टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा, आप हमेशा इस एरो को प्रेस करना, एरो प्रेस करोगे तो यहां लिखा होगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, फाइन। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे एक बार आ जाएगी, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे बना दोगे, समझ आ गया, दोबारा बता रहा हूं। दो गए हैं, इंसर्ट पे जाओगे, अगर आपने यहाँ पे ऐसे भी दबाया तो भी वही शो होगा, राइट, लेकिन हमें ये फॉलो नहीं करना, हमें क्या करना है, एरो को प्रेस करना है। एरो को प्रेस करने के बाद ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, तो ये हमारा ये देख रहे हो आप, एक बार बनी आ रही है जहाँ पे टेक्स्ट बुक खोल रहे हो वहां पे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद वो बोलेगा इसका साइज सेट करना है। साइज सेट कैसे करोगे, किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ देखो साइज होगा कॉर्नर में, यहाँ गए, हाइट और विड्थ जो बोलेगा उसके लिए साइज को एक्सपैंड करोगे दोबारा से, ये एक्सपैंड होके आ गया, जो वैल्यूज बोलेगा वो, सपोज उसने बोला 2.00,
टेक्स्ट बॉक्स है ना, इस पे बाहर की तरफ आउटलाइन में कोई कलर करो, तो क्या करोगे, यहां से जाके शेप आउटलाइन से कलर कर दोगे। इसके बाद वो बोलेगा शेप को फिल कर दो, इसी को दोबारा क्लिक करोगे, शेप फिल जिस कलर से बोलेगा वो कर दो, फाइन। ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी से जाके आपने कर लिया। इसके बाद इंसर्ट में आपके पास ये सब तो हो गए, नेक्स्ट होता है हाइपरलिंक, राइट। वो आपसे बोलेगा हाइपरलिंक इंसर्ट करना है कि रिमूव करना है। सपोज यही है मेरा टाइटल, सपोज ये टाइटल है, राइट। यहाँ तो क्या है, हमने एक टेम्पलेट ले रखी है, वो एडिट हो जाएगी। अब जैसे वो बोलेगा ये हेडिंग है, इस हेडिंग के हेडिंग पे कोई हाइपरलिंक ऐड करो, तो क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, हाइपरलिंक को क्लिक करोगे, आप पेस्ट इन दिस, पेज
आपने अपनी सीबीएसई की मार्कशीट देखी होगी, उसके ऊपर सीबीएसई प्रिंटेड होता है, वाटरमार्क लगा होता है, ये सब पेज का बैकग्राउंड है। तो हम पेज का बैकग्राउंड पेज बैकग्राउंड से चेंज करते हैं। फर्स्टली हमारे पास ऑप्शन होता है वाटरमार्क का। वाटरमार्क आपको वो बोलेगा कि पर्टिकुलर ये इमेज चाहिए या ये टेक्स्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे, पेज लेआउट पे जाओगे, वाटरमार्क पे जाओगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाओगे, इसके बाद ये खुल के आ जाएगा टेक्स्ट वाटरमार्क। वो आपको बोलेगा क्या लिखना है, सपोज ओलंपिक्स लिखना है तो यहाँ पे वो बोलेगा। इसके बाद ओलंपिक्स आपको टेक्स्ट भी देगा, वो आपसे फॉन्ट भी बोलेगा कौन सा चाहिए, वो फॉन्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायगोनली या हॉरिजॉन्टली गिवन होगा, पहले आप इसको अप्लाई करेंगे फिर ओके कर देंगे, राइट। अब इसे क्लोज कर दो, ये हो गया आपका वाटरमार्क। रिमूवल भी ऐसे ही होगा, वाटरमार्क पे जाएंगे, ठीक है, रिमूव वाटरमार्क, वो रिमूव हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है पेज का कलर, जो आपका कंप्लीट पेज का बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो, चाहे पेज का कलर है, चाहे टेक्स्ट का कलर है, या शेडिंग का कलर है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेट पेज कलर टू एक्वा 40%, कैसे याद करोगे? एक्वा ब्लू हो गया। ये चीजें अब मेमोराइज करनी है। क्वेश्चन आएगा सेट पेज कलर टू एक्वा 40% ग्रेडियंट समथिंग, फाइन। अब यहाँ देखो, ये कलर है 7-8, व्हाइट है, ब्लैक है, ग्रे है, ब्लूइश है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ऊपर से नीचे को जाओगे ना चेंज बढ़ता चले जाएगा। देखो यहाँ पे ये मेरा पर्पल का एक्सेंट है, एक्सेंट सिक है। इन कलर्स को तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर वो पर्पल बोलेगा तो आप डायरेक्ट पर्पल पे जा सकते हो, ठीक है। अब वो पर्पल में उसकी एक्सेंट बताएगा कितनी है, 6 है। यहाँ देखो एक्सेंट कितनी होगी, अब देखना जरा ये प्रॉपर्टी शो करेगा, 6 लाइटर 80%, 6 और ये देखो ये 60% हो गया, अब 40% हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन में गिवन होगा। वहां देखो पर्पल एसेंट लाइटर 40%, ऐसे ही सभी कलर्स के लिए क्वेश्चन आएगा कि सेट पेज कलर टू एक्वा एसेंट 5, एसेंट 6 और लाइट 30% या 20% व्हाटएवर। आपको पता होना चाहिए यार एक्वा डायरेक्टली कौन सा है, ये एक्वा है, ये टीन है, ठीक है। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि मेरा एक्वा कलर कौन सा है, ये आई साइज में एक्वा है ही नहीं, उसमें एक्वा कलर है ही नहीं, राइट। जो भी आपको गिवन होगा आपको ये मेमोराइज करना है कि कलर ये है, डायरेक्ट उस एसेंट पे जाओगे और सेलेक्ट कर लोगे, राइट। इसी चीज के मार्क्स है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा पेज का बॉर्डर, आपने यूज करे हुए पेज बॉर्डर्स, यहाँ जाओगे बॉक्स बनाने को बोल देगा, नन करवा लेगा, शेडो करवा लेगा, राइट। आपसे यहाँ पे आर्ट भी ऐड करवा सकता है पेज बॉर्डर में, वो गिवन होगी कौन सी आर्ट करनी है, ठीक है। पहले तो वो बोलेगा कलर, कोई कलर गिवन होगा वो कलर यहाँ पे ऐड करवाएगा पेज बॉर्डर में, ठीक है। सेकेंडली विड्थ उसकी चेंज करवाएगा 1.5, उसके बाद वो आर्ट बोल देगा। आ गया पेज का बॉर्डर। अभी तक तो हम सिर्फ लाइंस ही ड्रॉ करते थे पेज बॉर्डर में, आर्ट भी आती है। एग्जाम जो होगा उसमें बोलेगा, वहां पे आपको पिक्चर गिवन होगी कोई क्वेश्चन के साथ ही अंदर, वो इंसर्ट करवानी होगी, ऐसे ही हो जाएगी। क्या करोगे आप, पेज लेआउट पे जाओगे, पेज बॉर्डर्स पे जाओगे और पहले तो कलर चेंज करोगे साइड का, लाइंस का, उसके बाद आप साइज उसका, फाइनली जो आपको आर्ट चाहिए वो इंसर्ट करवा दोगे। इसके बाद स्पेसिंग और बिफोर के लिए आप यहां पैराग्राफ की सेटिंग पे जाओगे, यही स्पेसिंग जो पहले आपको करवाई थी दोबारा आ गई। कितना करना है बिफोर और आफ्टर लाइन का, राइट। उसके बाद लाइन स्पेसिंग सिंगल है, मल्टीपल होगा, एग्जैक्टली होगा, जो बोलेगा वो सेट कर देना, एट जो भी साइज पे बोल रहा है वो कर लेना, राइट। लाइन एंड पेज ब्रेक्स जो वहां पे गिवन होगा, अभी मैंने आपको हाइफनेशन सिखाया था ऑटोमेटिक, वो बोल देगा हाइफनेशन नहीं करनी है, स्टॉप करनी है, तो डोंट हाइफनेट को क्लिक कर देना। बेसिकली क्या करना है, आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे है। आपने टाइप कुछ नहीं करना पूरे पेपर में, सिर्फ प्रॉपर्टीज को नेविगेट करवाना है प्रॉपर्ली। शॉर्टकट करोगे तो गलत हो जाएगा, पूछते नहीं पूछेगा कुछ भी। शॉर्टकट तो आपने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी बनाई है, आपने बनाई है ना, तो हम लोगों के लिए बनाए गए ना। माइक्रोसॉफ्ट जब सॉफ्टवेयर बना रहा होगा तो शॉर्टकट से थोड़ा बनाया होगा उसने,
उसने तो हर चीज डिटेल में बनाई है ना। फिर उसके साथ पे अब आप एक बात हो F2 कर दो सेव करने के, कंट्रोल एस करते हो सेव एस कैसे करते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं है सेव करने का तो कंट्रोल एस है। सेव एस करने के फाइल पे जाओ F2 दबा के जाओ, हां F2 देन कंट्रोल एस, हां कितना लंबा होगा, डायरेक्ट फाइल पे जाओ सेव एस कर दो, होगा सेव करने का तो ऑप्शन है कंट्रोल एस, सेव एस का बताओ कौन सा शॉर्टकट है F2 दबा के सेव नहीं करा तो। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने तो कंप्लीट डिटेलिंग में हर चीज बनाई है ना, शॉर्टकट्स तो हमने बनाई, F2 करके सेव एस करवा सकते हो, F2 से ऑप्शन आ जाएगा वो जो मेन्यू बार आता है, सेव करवाना है सेव एस करवाना है रीनेम करना है, ठीक है। ऐसे ही फाइंड करने के लिए तो आप कंट्रोल एफ दबा लेते हो, रिप्लेस करने के लिए क्या दबाओगे कंट्रोल आर कंट्रोल ऑल्ट आर, समझ लो हर चीज का शॉर्टकट नहीं है, इसलिए शॉर्टकट या यूज मत करना, मार्क्स कटेंगे हो तो जाएगा क्योंकि है तो वो वर्ड ही बट मार्क्स कटेंगे उसे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन सेव नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्लास अभी मैं तो सोच रहा हूँ आलिया को